सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान जारी है जी। ग्राउंड चेंज हो गया, वेन्यू चेंज होगी, वेदर कंडीशन चेंज होगी, प्लेइंग कंडीशन इवन चेंज होगी, लेकिन जो ना बदला वो पाकिस्तान की सोच, मेंटेलिटी और स्ट्रेटजी और माइंडसेट था। पाकिस्तान ने फिर उसी तरह से स्टार्ट किया, बाबर स्टार्ट स्लोली, रिजवान स्टार्ट स्लोली, रिजवान स्कोरिंग रन्स, मिडल ऑर्डर स्टक्स इन द मिडल, पावर हिटर फेल टू लीव द इम्प्रेशन, और शादाब और नवाज को वही लेट भेजना। पाकिस्तान ने पिछली सीरीज वर्सेस इंग्लैंड से कुछ भी नहीं सीखा। 2 के पाकिस्तान मैच जीत गया जी 167 उस ग्राउंड क्राइस्टचर्च पे। 170 वाज द एवरेज स्कोर और पाकिस्तान एवरेज स्कोर से भी 3 स्कोर कम रहा। 2 पाकिस्तान विन कॉम्प्रिहेंसिवली, बट पाकिस्तान नीड टू लुक फॉर समथिंग इन ऑर्डर टू विन द वर्ल्ड कप। सो क्या कमियां थी जी भैया? छोटी टीमों के अगेंस्ट तो आप इस अप्रोच से कामयाब हो सकते हैं किसी हद तक, और बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी एक दो मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कंप्लीट कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस इस स्ट्रेटजी के साथ नहीं दी जा सकती। आपको अगर देखें पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाएं तो स्टार्ट तेज दिया जाता है। बात करें इंडिया की, राहुल और शर्मा तेज स्टार्ट करते हैं, और मिडल ऑर्डर में एक उनके पास तेज बल्लेबाज भी है, सूर्या कुमार यादव फिनिश करने वाला, पांड्या भी है, लेकिन वो तेज स्टार्ट लेते हैं। आपके पास तो फिनिशर और मिडल ऑर्डर भी कमजोर है, फिर आप इतना मोहतात स्टार्ट क्यों लेते हैं भैया? शुरू से ही चढ़कर खेलें और एवरेज को मेंटेन करें। बात करें साउथ अफ्रीका की तो उनके पास राइली रूसो और डेविड मिलर जैसे प्लेयर है, लेकिन क्विंटन डिकॉक स्टार्ट करते हैं वो आपके सामने। इसी तरह अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो उनके पास टिम डेविड और मैक्सवेल जैसे प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो स्टार्ट करते हैं क्विकली। सो पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम देयर कंपटीटर्स कि किस तरह की क्रिकेट हो रही है, उस तरह की क्रिकेट खेलकर उन्हीं को उन्हीं के ग्राउंड पे हराना पड़ेगा। सो दीज आर द लिटिल मिस्टेक्स अबाउट द माइंडसेट। बाकी अगर टीम की बात करें तो बात करें हैदर अली, आसिफ अली, इफ्तिहार अहमद, जिनका काम ही है छक्के लगाना, और कल तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट था छक्कों के लिए, फिर भी एक छक्का नहीं लगा। सो देयर दिस इज बिग क्वेश्चन मार्क्स। पाकिस्तान नीड टू लुक फॉर बिग हिटर्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप। सो गाइस, आज पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है निस्बतन एक अच्छी टीम के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। देखना पड़ेगा कि वो न्यूजीलैंड को कैसे टैकल करते हैं।